गुड मॉर्निंग क्लास, माय सेल्फ आरती धोनी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक कंपास सर्वेइंग विच इज बेस्ड ऑन बियरिंग्स। कल की क्लास में हम लोगों ने इंक्लूडेड एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए थे। आज जो है हम इंटीरियर एंगल पता होने पर इसकी बियरिंग को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख रहे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया है, उस न्यूमेरिकल की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि हम बियरिंग कैसे पता करें और जब हमें एंगल्स दिए हुए हैं, इंटीरियर एंगल्स हमें पता हो तब हम बियरिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। न्यूमेरिकल क्या है देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है फाइंड आउट द बियरिंग्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी रनिंग क्लॉकवाइज इफ द बियरिंग्स ऑफ द लाइन एबी इज 60°30'। यहाँ पर हमको एक बियरिंग दी हुई है, एक लाइन की बियरिंग दी हुई है। हमें ये जो बियरिंग दी हुई है लाइन ए बी की दी हुई है। यहाँ पर मैंने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया है जो कि जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के हर जो एंगल है इंटीरियर एंगल वो कितने होते हैं 60° के होते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे इंटीरियर एंगल्स ए बी और सी जो है वो 60° के ले लिए हैं। और ये भी वो बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो आपका ट्राइंगल है ये क्लॉकवाइज रन कर रहा है। जब ट्राइंगल क्लॉकवाइज रन कर रहा है तो इसके एंगल्स जो होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है। तभी हमारा सर्कल पूरा होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमारा जब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसके एंगल्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रन करेंगे। तो एंगल्स हमने ये सारे एंटी क्लॉकवाइज बनाए 60° के हैं क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। आपको एक लाइन जो है ए बी लाइन इसकी फोर बियरिंग दी हुई है 60°30'। आपको लाइन बी सी सी ए की फोर बियरिंग्स और बैक बियरिंग्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एंगल ए एंगल बी एंगल सी -60° क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है सारे। तो हमें फोर बियरिंग ऑफ ए बी दी हुई है 60°30'। ये सारी जो बियरिंग है हमारी हम किसमें निकालेंगे, डब्ल्यू सी बी फॉर्मेट में। डब्ल्यू सी बी फॉर्मेट मतलब कि सारी बियरिंग को हम कहाँ से मेजर करेंगे, नॉर्थ से मेजर करेंगे। तो ये हमने सारी बियरिंग कहाँ से मेजर कर ली है, नॉर्थ से। और ये गिवन जो बियरिंग है वो भी हमारी नॉर्थ से हमको गिवन है। तो ये दी हुई है ए बी की 60°30'। अब अगर मुझे इसकी बैक बियरिंग निकालनी हो तो बैक बियरिंग क्या होती है, हम जानते हैं फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का रिलेशन क्या होता है। बैक बियरिंग क्या होती है, फोर बियरिंग प्लस प्लस माइनस 180°। किसी भी लाइन की बैक बियरिंग जो है उसका और फोर बियरिंग का रिलेशन क्या होता है, बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180°। तो यहाँ पर मुझे अगर बैक बियरिंग ऑफ ए बी निकालनी है तो ये फोर बियरिंग ऑफ ए बी प्लस माइनस 180°। तो 180° यहाँ पर क्या किया मैंने, प्लस किया। प्लस क्यों किया, क्योंकि ये जो बियरिंग थी वो हमारी 180° से कम थी। हम जब ही प्लस साइन लेंगे जबकि यहाँ हमारी बियरिंग 180 से कम हो, अगर बियरिंग 180° से ज्यादा होगी तो हम उस बियरिंग में से 180° को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कम थी इसलिए हमने इसमें 180 प्लस करके बैक बियरिंग ऑफ ए बी जो हमने फाइंड आउट की वो हो गई 240°30'। ठीक है, तो हमारे पास एक लाइन की बियरिंग आ गई है, फोर बियरिंग हमें दी हुई थी ए बी लाइन की, हमने ए बी लाइन की बैक बियरिंग फाइंड आउट कर ली। तो एक जो हमने है बियरिंग वो फाइंड आउट कर ली है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट, अगर हमें बी सी सी ए की बियरिंग फाइंड आउट करनी है तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल्स, मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि इंटीरियर एंगल्स जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू होता है फोर बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, है ना। तो अगर मुझे एंगल ए, एंगल ए इंटीरियर एंगल है तो एंगल ए की वैल्यू मुझे चाहिए। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, फोर बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन। एंगल ए की फॉरवर्ड लाइन क्या है, ए बी, है ना। तो फोर बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन मतलब फोर बियरिंग ऑफ ए बी माइनस बैक बियरिंग ऑफ बैकवर्ड लाइन, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो ए की प्रीवियस लाइन क्या है, सी ए। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिखा, एंगल ए इज इक्वल टू फोर बियरिंग ऑफ ए बी माइनस बैक बियरिंग ऑफ सी ए, फोर बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 60°। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं इसलिए मैंने साइन क्या लिया, नेगेटिव, माइनस
60 डिग्री, फोर बियरिंग ऑफ ए भी हमको गिवन है 60 डिग्री 30 मिनट, बैक बियरिंग ऑफ सी ए हमें नहीं पता है, तो यहाँ से हम बैक बियरिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। बैक बियरिंग ऑफ सी ए क्या हो जाएगी, ये साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बैक बियरिंग ऑफ सी ए हमको क्या मिल गई, 60 डिग्री 30 मिनट प्लस 60 डिग्री इट मीन 120 डिग्री 30 मिनट। तो नेक्स्ट मतलब जो हमने लाइन सी ए है, बैक बियरिंग ऑफ सी ए हमने फाइंड आउट कर ली, सी ए की बैक बियरिंग हमने फाइंड आउट कर ली है कितनी 120 डिग्री 30 मिनट। अब अगर इसकी फोर बियरिंग निकालनी हो सी ए की, तो क्या अभी मैंने रिलेशन आपको बताया था कि बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का क्या रिलेशन है, बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो हमें अगर फोर बियरिंग निकालनी हो तो बैक बियरिंग हमें पता है, तो बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी बियरिंग हमारी 180 से कम है इसलिए हम इसमें 180 प्लस करेंगे, तो टोटल हमारे पास जो बियरिंग आई वो कितनी आ गई 300 डिग्री 30 मिनट। ये क्या आ गई हमारे पास, फोर बियरिंग ऑफ सी ए, सी ए की फोर बियरिंग, मतलब जब हम सी से ए की तरफ देख रहे हैं तो हमारी ये बियरिंग आ गई है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, मतलब ये हम नॉर्थ है हमारा, तो नॉर्थ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो 300 डिग्री 30 मिनट का बन रहा है। ठीक है, तो ये बियरिंग आ गई हमारे पास। तो हमने अभी ये वाली बियरिंग फाइंड आउट कर ली, ये इसकी फोर बियरिंग भी फाइंड आउट कर ली, ए बी की फोर बियरिंग भी फाइंड आउट कर ली, ए बी की बैक बियरिंग भी आ गई। अब हमें बी सी की फोर बियरिंग निकालनी है और बी सी की बैक बियरिंग निकालनी है। तो फोर बियरिंग ऑफ बी सी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एंगल बी ले रहे हैं, एंगल बी। अगर एंगल बी लेंगे तो ये इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं हम, फोर बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो एंगल बी के लिए फोर बियरिंग ऑफ इसकी फॉरवर्ड लाइन क्या है, बी सी, और इसकी जो प्रीवियस लाइन क्या है वो ए बी है। तो फोर बियरिंग ऑफ बी सी लिखा मैंने, माइनस बैक बियरिंग ऑफ ए बी लिखा। फोर बियरिंग ऑफ बी सी ही हमें पता करना है और बैक बियरिंग ऑफ ए बी तो हम निकाल चुके थे, 240 डिग्री 30 मिनट वैल्यू रख दी। तो यहाँ से हम फोर बियरिंग ऑफ बी सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर बियरिंग ऑफ बी सी कितनी आ गई, एंगल हमारे पास माइनस 60 डिग्री था, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 180 डिग्री 30 मिनट। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, फोर बियरिंग ऑफ बी सी, फोर बियरिंग ऑफ बी सी आ गई। अब हमें बैक बियरिंग ऑफ बी सी निकालनी है, तो वही हम रिलेशन यूज करेंगे, फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने 180 डिग्री से ज्यादा एंगल था, इसीलिए इस एंगल में से 180 को माइनस किया, तो हमारे पास 30 मिनट जो आई वो क्या आ गई, बैक बियरिंग ऑफ बी सी। तो हमारे पास देखिए अब सारी बियरिंग आ गई, ए बी की है, बी ए की है, बी सी की है, सी बी की है, सी ए की है, ए सी की है, तो ये सारी बियरिंग्स हमारे पास आ चुकी है। अब हमने इसको एक टेबुलर फॉर्म में सारी वैल्यूज लिख दी, साइड्स ए बी बी सी सी ए, फोर बियरिंग बैक बियरिंग। तो ए बी की फोर बियरिंग तो दी हुई थी 60 डिग्री 30 मिनट, इसकी बैक बियरिंग हमने निकाली 240 डिग्री 30 मिनट। बी सी की फोर बियरिंग हमने कैलकुलेट की कितनी, 180 डिग्री 30 मिनट। तो 180 डिग्री 30 मिनट लिख दिया यहाँ, इसकी हमने बैक बियरिंग कितनी कैलकुलेट की, 30 मिनट लिख दिया। सी ए की फोर बियरिंग हमने कैलकुलेट की 300 डिग्री 30 मिनट, इसकी बैक बियरिंग 120 डिग्री 30 मिनट। इसको टेबुलर फॉर्म में हमने लिख के आंसर निकाल लिया, मतलब हमें जब इंक्लूडेड एंगल पता है तो हम इस तरीके से हमारी बियरिंग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, जब हमें बियरिंग पता हो हम कैसे, सॉरी जब हमें इंक्लूडेड एंगल पता हो तो हम बियरिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इसके प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमें बियरिंग पता नहीं थी लेकिन हमको इंक्लूडेड एंगल निकालने थे, तो हम इंक्लूडेड एंगल कल हमने निकाला था, आज हमें इंक्लूडेड एंगल पता था तो हमने बियरिंग निकाल ली। नेक्स्ट क्लास में हम लोकल अट्रैक्शन पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।